तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है गुरुद्वारा बंगला साहिब। नई दिल्ली में स्थित यह जगह सिखों का प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है, जो सिखों के 8वें गुरु हरकिशन से जुड़े होने के कारण काफी लोकप्रिय है। इसके साथ साथ यह गुरुद्वारा अपने सरोवर नामक तालाब के लिए भी काफी जाना जाता है, जिसे सिख समुदाय के लोग अमृत कहते हैं। 9 पर है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन भारत में स्थित सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक है, जो भारत के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है। 4 मंजिला इस इमारत में 340 कमरे हैं और इस इमारत के निर्माण में कहीं भी स्टील का इस्तेमाल नहीं किया है। राष्ट्रपति भवन के परिसर में एक बैंक्वेट हॉल, टेनिस कोर्ट, पोलो ग्राउंड, क्रिकेट का मैदान और एक संग्रहालय भी मौजूद है। इसके साथ साथ 13 एकड़ क्षेत्र में फैला मुगल बाग भी शामिल है। नंबर 8 पर है अक्षरधाम। यह मंदिर मुख्य 5 भागों में विभाजित है, जिसमें मुख्य मंदिर परिसर के बीचों बीच मौजूद है। इस मंदिर के निर्माण में स्टील या कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यह पूरा मंदिर गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। यहाँ पर वैदिक यज्ञ कुंड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ कुंड है। शाम के टाइम पे यहाँ पर संगीत में फवारे चलाए जाते हैं। नंबर 7 पर है जामा मस्जिद। पुरानी दिल्ली में स्थित यह मस्जिद भारत की सबसे पुरानी एवं सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। इस मस्जिद में 40 मीटर ऊंचे 4 मीनार भी मौजूद है और इस मस्जिद के परिसर में 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद में कई प्राचीन अवशेष मौजूद है, जिसमें कुरान की एक प्रति भी शामिल है, जो हिरण की खाल पर लिखी गई थी। यह मस्जिद लाल किले के पास में ही स्थित है। नंबर 6 पर है लोटस टेम्पल। यह मंदिर सभी धर्मों की एकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर का आकार कमल के फूल के आकार की तरह रखा गया था, क्योंकि कमल को शांति, शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर में 9 प्रवेश द्वार है और साथ ही साथ यह मंदिर 9 तालाबों से घिरा हुआ है। नंबर 5 पर है हुमायूं टॉम्ब। दिल्ली की यह प्रसिद्ध जगह पुराने किले के पास में ही स्थित है, जिसे हुमायूं की याद में उनकी बेगम हामिदा बानो द्वारा बनवाया गया था। यह जगह यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, जो चारों ओर से पानी के फव्वारे और बागान बगीचों से घिरी हुई है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर चारबाग गार्डन और नायका मकबरा भी देख सकते हैं। नंबर 4 पर है राजघाट। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, जो चारों ओर से लॉन से घिरा हुआ है। यह स्मारक यमुना नदी के किनारे महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित है। इस स्मारक के ऊपर हे राम शब्द गुदा हुआ है, जो महात्मा गांधी के अंतिम शब्द थे। महात्मा गांधी के स्मारक के अलावा आप यहां पर जवाहरलाल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का, इंदिरा गांधी का और राजीव गांधी का स्मारक भी देख सकते हैं। नंबर 3 पर है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार ईंटों से बनी विश्व की सबसे बड़ी संरचना है, जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। तकरीबन 72 मीटर ऊंची इस संरचना को कुतुबुद्दीन ऐबक ने विजय स्तंभ के रूप में बनवाया था। यह इमारत लाल बलुआ पत्थरों से बनी हुई है, जिसमें करीब 379 सीढ़ियां मौजूद है। नंबर 2 पर है इंडिया गेट। दिल्ली के हृदय में स्थित यह जगह भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसका मूल नाम अखिल भारतीय युद्ध स्मारक था, जिसे लगभग 70,000 सैनिकों की याद में बनवाया गया था। 42 मीटर ऊंचे इस स्मारक का निर्माण पेरिस के आर्क ड्राई ओम की तरह किया गया है। यहाँ पर अमर जवान ज्योत भी मौजूद है, जो सैनिकों को श्रद्धांजलि देती है। और नंबर 1 पर है लाल किला। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जो उस समय की राजधानी हुआ करता था। लाल पत्थर से बना यह किला किले ए मौला के नाम से भी जाना जाता है। तकरीबन 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह किला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। हर साल 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर राष्ट्रध्वज फहराया जाता है और साथ ही साथ शाम को